नारायणगढ़ नगर पालिका चेयरपर्सन के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव मैदान में उतारी प्रत्याशी प्रीतपाल कौर ने अपना आज नामांकन पत्र नारायणगढ़ की रिटर्निंग अधिकारी व उपमंडल अधिकारी सलोनी शर्मा को सौंपा। इस अवसर पर भाजपा के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी, अम्बाला सांसद रतन लाल कटारिया, यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जिला प्रधान राजेश बतौर सहित भाजपा के अन्य नेतागण मौजूद थे। आज नारायणगढ़ में प्रिंसिपल कोर्ट ने पकड़ और हमारे पार्षदों ने फाइल किया सभी के शुभकामनाएं और जो एक सोच है आदमी नौजवान जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के हम काम करेंगे। और हमने पहले भी नारायणगढ़ के नगर पालिका में भरपूर काम किए, लोगों की जो इच्छा थी इच्छा के अनुरूप काम किया और आगे भी नारायणगढ़ के लोग हमें विश्वास है जब मौका देंगे तो यहाँ पर जो छूटे हुए विकास के कार्य हैं उन कामों को भी प्रीतपाल कौर मक्कड़ और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व के अंदर उसको करवाने का कार्य करेंगे। कोरोना का चाहे कार्यकाल रहा है, कोरोना के कार्यकाल में जो काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की टीम ने किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हर व्यक्ति तक सुविधा पहुँचाने का काम और हर व्यक्ति को सुविधा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कोरोना के समय में भी किए हैं। और हम अपने जो काम किए मनोहर लाल जी ने जो काम किए उन सब कामों के बल के ऊपर लोगों के बीच में जाकर के घर घर जाकर के उनको बताने का काम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है नारायणगढ़ की जनता ने जिस प्रकार का पहले आशीर्वाद दिया अब भी कामों के बल के ऊपर चाहे नारायणगढ़ के अंदर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की बात थी, चाहे नारायणगढ़ के अंदर हमारा जो फायर ब्रिगेड है उसके अंदर गाड़ियों की कमी थी उसको पूरा कराने की बात है, चाहे नारायणगढ़ के अंदर विकास के लिए पैसा खर्च करने की बात है, चाहे नारायणगढ़ के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे लगवाने की बात है, चाहे नारायणगढ़ के अंदर सुंदरता की दृष्टि से LED लगवाने की बात है, चाहे नारायणगढ़ के अंदर बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 5.5 करोड़ रुपया खर्च करके यहाँ की लचर पचर जो व्यवस्था बिजली की थी उस बिजली की व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का काम हमने पिछले 5 वर्षों में किया है। ऐसे बहुत सारे कार्य है हमने लगातार, चाहे सीवरेज डालने की बात है, चाहे जो हमारी पार्कें हैं उनके अंदर ऊपर जिम लगवाने की बात है, हमने बहुत सारे ऐसे काम किए, चाहे सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने की बात है, उन सब कामों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। हमें पूरा विश्वास है कि नारायणगढ़ के जागरूक लोग हैं और वो भरपूर आशीर्वाद देंगे और मनोहर लाल जी की नीतियाँ नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाएंगे। हम उस बात को लेकर के लोगों के बीच देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।